वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। बिल्कुल अयोध्या सबकी है। आम आदमी बन करके जैसे दर्शनार्थी आते हैं वैसे अगर वो आते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं और जिस अयोध्या को मैं वो आना चाहते हैं ये भगवान राम की जन्मभूमि है और उन्हीं का वो दर्शन करना चाहते हैं। हम उत्तर भारतीय के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग अपने आप को भगवान राम का ही वंशज मानते हैं और भगवान राम के वंशजों को भी को ही आप भैया कहोगे, भैया भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे, हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे, ये नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी। आप एक बात जान लो कि उनको घुसने नहीं दूंगा, एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा, लखनऊ की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दूंगा और हम नहीं उत्तर भारतीय तैयार है इसके लिए। इसके लिए पंजाब तैयार है, गुजरात तैयार है, दिल्ली तैयार है, हरियाणा तैयार है, झारखंड तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है, बिहार तैयार है। जिन जिन लोगों को पीटने का काम इन्होंने किया सब तैयार हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि पहले माफी मांगे तब आवे, ये उनका विषय है। अभी कुछ दिन पहले कहते थे योगी मोदी अगर आएगा तो देश गर्त में चला जाएगा अगर योगी को, अब क्या बताएं क्या कहते थे। आज इसका हृदय परिवर्तन हो गया, अचानक ये भेष बदल करके आ रहा है। चलो हृदय परिवर्तन होगा कोई बात नहीं है, हृदय परिवर्तन हो सकता है तो हृदय परिवर्तन हो गया तो माफी मांगो। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।